alert and intelligent, are the military dogs of Indian Army. Sharing the same risks as soldiers on ground, they have performed brilliantly when deployed in counter-insurgency terrain. I am here at one of the dog units in Northeast, and this particular unit has the credit of having at least 3 dogs that have gone on to receive the Chief of Army Staff commendation. Let's meet one of them. Here is Dexter. ये यूनिट 1966 की रेज की हुई यूनिट है तो इसको 53 साल हो गए हैं इंडियन आर्मी में आर्म्ड फोर्सेस की इन्फेंट्री बटालियंस को सपोर्ट देते हुए और इन 53 सालों में यूनिट ने ईस्टर्न थिएटर वेस्टर्न थिएटर एंड इवन एब्रॉड भी मिशंस में पार्टिसिपेट किया है अच्छा सुबह हम 5:30 बजे डॉग को कैनल से जहाँ पे हम इनको रखते हैं रात को वहाँ से निकालते हैं और इनका टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेशन ये चेक करते हैं अगर किसी डॉग का इनमें कुछ दिक्कत होता है या कम ज़्यादा होता है तो उस डॉग को हम रेस्ट पे छोड़ते हैं और उसके बाद इनको थोड़ा बाहर घुमा के और फिर हम PT कराने ले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग और लगभग हम 4 से 5 किलोमीटर इनको रन करवा के लाते हैं और उसके बाद ला के और इनका जो बेसिक ओबीडियंस जो ट्रेनिंग होती है वो हम इनको देते हैं और उसी के साथ हम जैसे नॉर्मल जो जंप वगैरह होते हैं वो करवाते हैं ठीक है तो उसके बाद में हम इनको ब्रेक करते हैं लगभग 45 मिनट 1 घंटे का इनको रेस्ट देते हैं और उसके बाद जब हम सेकंड पीरियड में इनको जो इनका स्पेशलाइजेशन जो ट्रेनिंग होता है सभी डॉग का अलग अलग होता है लगभग तो वो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं 8 से 10 बजे तक और 10 बजे हम इनका ग्रूमिंग करते हैं डॉग का आधे घंटे का 30 मिनट का ग्रूमिंग करते हैं और उसके बाद में इनका फीडिंग करवाते हैं डॉग का जो खाना होता है उसमें हम डॉग को मीट अंडा चिकन सब्जी चावल रोटी ये सारी चीज़ें हम खाना बनाया जाता है इसका बॉईल करके और लगभग 800-900 ml एक टाइम का इनका खाना होता है इसलिए कराया जाता है कि जैसे एक जवान कहीं भी किसी भी इलाके में जहां पर गाड़ी ना जा सके हम हेली से एक जवान ड्रॉप करता है हम अपने डॉग्स को उस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि वो लड़ाई के दौरान जब कोई ऑपरेशनल एरिया हो उस दौरान जब डॉग की ज़रूरत पड़ती है जहां व्हीकल ना जा सके तो हम हेली के जरिए उस डॉग को ड्रॉप करा सकते हैं ताकि उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके हम डॉग को सबसे पहले डॉग का डर निकालने के लिए जो हमारे पास स्लेदरिंग इक्विपमेंट है उसको खाली इक्विपमेंट लगा के उसको हल्का चलाते हैं उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप उसका डर पहले निकाला जाता है और फिर उसका जो हॉर्नस बना होता है उसको उसमें फिट कर देते हैं डॉग को फिट करने के बाद जो खुद का मास्टर होता है जिससे डॉग साथ में रहता है और वो उसको अपने पीठ के ऊपर लगाता है और बेल्ट को अच्छी तरह टाइट करता है ताकि डॉग को कोई प्रॉब्लम ना हो और उस तरीके से हम उसको कंटिन्यू डेली उसकी रूटीन वाइज हम कराते ताकि वो जरूरत पड़ने पर बढ़िया काम कर सके और ड्रॉपिंग हो सके वी विल नाउ विटनेस अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ हाउ मिलिट्री डॉग्स आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वी हैव हियर कावेरी हु इज अ ट्रेकर नाउ दे आर टास्क टू sniff out or gather the scent of insurgents who might be hiding in some part of the jungle and trace them they help their handler in tracing the militants So we have seen how military dogs are deployed in counterinsurgency operations and they successfully accomplished their task. They have been doing it for the forces. Here is a tracker dog who successfully traced out the militant from a hideout and this
an explosive detection dog or an ED dog who has sniffed out the components of an IED here. So they surely deserve some treat, and we congratulate them.